हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रंजनाज किचन। मैं रंजना आज बनाने जा रही हूँ सूरन का चोखा, सूरन यानी जिमीकंद। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। सूरन को मैंने छील कर काट कर साफ धो लिया है और मैंने ले लिया है कुकर। उसमें मैं डालूँगी सूरन और डाल दूँगी पानी, नमक और दो खटाई। उसके बाद उबलने के लिए रख। अब इसमें मैं 3-4 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। इसको रख देती हूँ इधर, आगे की प्रिपरेशन जारी होती है। अब मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर, इनमें लगा लिया है ऑयल और ऑयल लगा के भूनेंगे। ऑयल लगाने का एक फ़ायदा ये होता है, छिलके अच्छे से उतर जाते हैं पकने के बाद, आसानी से चिपके नहीं रहते हैं और टमाटर अंदर से बहुत अच्छे से पक जाते हैं। टमाटर मेरे भुन चुके हैं, मैंने निकाल लिया है इनको। अब मैं इनको अच्छे से धोऊंगी, धो करके साफ़ करके छील लूँगी। छीलने के बाद इनको ग्रेटर में ग्रेट कर लूँगी, एक पेस्ट जैसा तैयार कर लूँगी। ये मेरा पेस्ट बनके रेडी है और अब मैं चेक कर लेती हूँ अपने उबले हुए सूरन को। ये देखिए बहुत अच्छे से उबल चुका है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। दबाने से एकदम दबता है ये। अब मैं इसको निकालूँगी अलग प्लेट में और मैसर की सहायता से इसको मैश कर लूँगी। अभी अच्छे से मैश हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी वही टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरी धनिया, सफ़ेद नमक, काला नमक और लहसुन और थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई और कड़वा तेल डाल के, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डाल के मिक्स करेंगे और चोखा हमारा एकदम रेडी है। इसमें मैंने आधी नींबू का रस और आधी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर भी ऐड किया है। ये चोखा मेरा डन डना डन हो गया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट और तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।